बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। आप स्क्रीन पर अभी अभी जस्ट जो नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जो 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आपकी चल रही है उससे रिलेटेड ये नोटिस जस्ट अभी अभी आज जो है यहाँ पर जारी किया गया है 25 सितंबर 2023 की डेट में। देखिए क्या कुछ इसमें कहा गया है। इसमें विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा लिखी गई है। और अगर आप बिहार में होने वाले 8th फेज शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं जूनियर टीचर की 6th to 8th में जो 31,000 पदों पर होनी है, SST टीचर की, हिंदी लैंग्वेज टीचर की, साथ ही साथ साइंस एंड मैथ्स टीचर की, तो जो SCERT नोट्स हैं वो 23 किताबों का निचोड़ PDF 222 पेज का है जिससे उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप सभी के लिए ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा जहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक जो है दिया गया है। आपको SCERT ही पढ़ना है जो कि SCERT आपके सिलेबस में है। BPSC SCERT ही पूछेगा, जिस तरीके से PRT में पूछा था उसी तरीके से जो है आपके आगामी जूनियर शिक्षक भर्ती जो हो रही उसमें भी पूछेगा। तो SCERT आपको नोट्स परचेज कर लेने हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9455 2827 93 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप SCERT लिख करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, नोट्स आपको 199 में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा जहाँ पर नोट्स का डेमो दिया गया, आप आराम से देख लीजिए और फिर आप नोट्स परचेज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर विज्ञापन संख्या दे रखी है, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा वर्ग 1 से 5 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय हैं तो सही दस्तावेजों को पुनः अंतिम विस्तारित तिथि 26 सितंबर से 29 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अभी चल रही थी 25 सितंबर आज यानी रात 12 बजे तक लास्ट डेट थी, उस डेट को यहाँ पर आयोग की तरफ से बढ़ा दिया गया है, 26 सितंबर से 29 सितंबर कर दिया गया। मतलब 29 सितंबर तक आप सभी लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जिस किसी का डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड नहीं हो पाया था वो सभी लोग जो है फिर से यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका अपलोड हो गया है उसको कुछ भी नहीं करना, लेकिन जिसका अपलोड नहीं हुआ है या अभी तक अपलोड नहीं कर पाए थे वो लोग अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोड कर लें। पिछले वीडियो हमने बताया है कि डॉक्यूमेंट किसे और किसे अपलोड नहीं करना है, तो ये जानकारी यहाँ पर छोटी सी आ रही थी, हमने यहाँ पर आपको जानकारी दे दिया है। फिलहाल जिस हिसाब से ये अभी अपना ये कार्यक्रम दे रहे हैं डॉक्यूमेंट अपलोड वाला, OMR सीट वाला, सारी चीज़ों वाला, उसके हिसाब से लग रहा है कि रिजल्ट जो है 15 अक्टूबर तक ही आ पाएगा। उससे पहले रिजल्ट आ पाने की कोई भी जो है गुंजाइश यहाँ पर नजर नहीं आ रही। बाकी कट ऑफ वाला वीडियो मैंने बता दिया, आप वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार शिक्षक भर्ती की आगामी तैयारी के लिए आप SCERT नोट्स को बाय कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।